الذين اصطفى لا سيما على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المهتدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلا تأخير وبلا تمهيد، درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسول انعام علیہ الصلات والتسلام میں تسلیم میں پیش فرمائیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وآله وبارك وسلم دائما أبدا. بحمد اللہ، آپ سبھی حضرات نے سر شام سے اب تک بہتر ماحول اور بہتر مزاج میں ذکر و بیان سماعت فرمائے، اور محفل ذکر کی برکتوں سے مالا مال ہوئے اور ابھی تک ہوتے آ رہے ہیں. میں بس بطور تتمہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا، بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا نہ اب ماحول ہے اور نہ مزاج، اور میری عادت ہے کہ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، دو بوند ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں. جلسے کا خاص عنوان اصلاح معاشرہ رہا ہے، اور جو بھی باتیں آپ کے روبرو پیش ہوئی ہیں ہمارے معزز مہمانوں کے ذریعہ، وہ سب اصلاح معاشرہ ہی میں داخل ہیں. میں کچھ مزید پوائنٹڈ دو تین باتیں آپ سبھی کے گوش گزار کروں گا، اگر آپ نے انہیں سمجھ لیا اور عمل کی توفیق بارگاہ الہی سے ہو گئی تو یوں سمجھئے کہ زندگی کی کامیابی حاصل ہو گئی اور معراج زندگی مل گئی. میں جانتا ہوں کہ اس وقت ٹینٹ کے پائے اور یہ غبارے، یہ قمقمے، یہ لائٹیں، یہ زمین اور یہ اسٹیج، یہ گلدستے اور چند ہمارے دینی ایمانی بزرگ نوجوان مرد اور کچھ دینی ایمانی مائیں اور بہنیں یہی رہ گئی ہیں میری بات سننے کے لیے، تو ہم زمین کو بھی گواہ بنا لیتے ہیں، اسٹیج کو بھی گواہ بنا لیتے ہیں، شامیانے کو گواہ بنا لیتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، محشر کے دن جب اس پپرا ٹولا مڑیری گاؤں کے جلسے کی بات چلے اور اس آبادی اور قرب و جوار کے لوگ میدان چھوڑ کر چلے جائیں، تو اس وقت اے پروردگار عالم میری حاضری کی گواہی ان ٹینٹ کے پایوں سے لے لیں.
इस बिछे हुए जो है फर्श से ले लेना, बैठे हुए चंद बुजुर्गों नौजवानों बच्चों से ले लेना, हमारी माओ बहनों से ले लेना। इस लाहे मुआशरा का जो मतलब और मकसद होता है, उस मकसद और मतलब के एतबार से ऐ परवरदिगारे आलम जो पॉइंटेड चंद बातें मैं अर्ज करूंगा, उन्हें तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेना और उन्हें इन मौजूद हजरात को अमल करने की उन पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा देना। बस इस्लाह मुआशरा का मफहूम और उसकी मुराद हासिल। हमने न जाने कितने ऐसे जलसों में तकरीरें की हैं कि जिनमें खाली हमने चंद लोगों के दरमियान तकरीरें की हैं, लेकिन वही कि ई सआदत बज़ोरे बाजू नीस ता न बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये नेक बख्ती अपने बाजुओं की ताकत के बल पर जो है मुमकिन नहीं है जब तक अता करने वाला परवरदिगार यानी हमारा और आपका रब ना अता फरमाए। जिनको तौफीक हुई है वो मेरी गुफ्तगू सुनेंगे और जिनको महरूमी होनी थी बेचारे चले, हालांकि वो कल इंशाल्लाह जब रिपोर्ट सुनेंगे इन लोगों से तो पछताएंगे कि हमें आखिर वक्त तक रहना चाहिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, माजूर होते हैं, परेशान हाल होते हैं, कुछ लोग बद्दिल हो जाते हैं। इस तरह के जलसे कर लेने से इस्लाह मुआशरा का मकसद हासिल। अल्लाह तबारक व तआला की जो है नाजिल करदा आयत मैंने पढ़ी है, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ऐ लोगों तुम में ज्यादा बुजुर्गी वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। यहां परवरदिगार आलम ने इसी आयत करीमा में वो नुस्खे कीमिया अता फरमा दिया है कि अगर इसे बंदा हासिल कर ले तो मुआशरा क्या सारी कायनात ठीक हो जाए और उसकी इस्लाह और इसी को फैलाया जाए तो पूरी शरीयत इस्लामिया इसी एक टुकड़े के अंदर सिमटी हुई है। हलालो हराम की सारी बातें इसमें मौजूद हैं। तकवा जब अपनाएगा बंदा तो गुनाहों से बचता हुआ भी नजर आएगा, नेकियों को अपनाता हुआ नजर आएगा, फराइज को अदा करता हुआ नजर आएगा, बहुत सारी नेकियों का जखीरा जमा करता नजर आएगा और गुनाह से काफी दूर होता हुआ नजर आएगा। बस यही मकसद हासिल हो जाए तो आदमी भी सुधर जाएगा, आदमी का घर भी सुधर जाएगा, उसका मुआशरा और उसका खानदान और कबीला सुधर जाएगा, सारी दुनिया सुधर जाएगी, क्योंकि तकवा और परहेजगारी यही बारगाहे मौला में पसंदीदा चीज है और इसी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत करामत और बुजुर्गी अता फरमाता है। जब इंसान बुजुर्गी के रास्ते पर चल पड़ेगा, अल्लाह का मुकर्रम हो जाएगा तो मुआशरा भी दुरुस्त हो जाएगा, आमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे, अहवाल भी दुरुस्त हो जाएंगे, इंसान का किरदार दुरुस्त हो जाएगा, उसका घर आंगन दुरुस्त हो जाएगा, उसके खेत खलिहान दुरुस्त हो जाएंगे, उसकी जिंदगी का हर लम्हा दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू ना करके मैं चंद पॉइंटेड बातें बताना चाहता हूं। इस्लाह मुआशरा की राह जो चलना चाहते हैं, जो उसकी फिक्र रखना चाहते हैं, उन्हें तीन चार खास बातों पर तवज्जो देनी। इन्हीं तीन चार बातों से मुआशरा क्या पूरी दुनिया सुधर सकती है। पहली बात, इस्लाह मुआशरा का सबसे खास गुर, आइंदा अपनी अपनी तकरीरों में मौका पड़े तो इसका पैगाम देते रहे। असली गुरी है
कि हम और आप नेकियां करें, सदका करें, खैरात करें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, जकात दें, हज करें, उम्रा करें, माँ बाप की खिदमत करें और जो है खानदान और मुआशरे में गरीबों की इमदाद करें, यही सबने किया। तो इस पर तो हमारी और आपकी तवज्जो रहती है और अल्लाह की तौफीक से हम करते रहते हैं, बहुत ज्यादा ना सही, थोड़ी मोड़ी नेकियां करते ही रहते। लेकिन इन नेकियों को हम नेकी समझ कर करते हैं, लेकिन खास चीज जो जड़ वाली है उस पर हमारी तवज्जो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जा बजा एक बात का ऐलान फरमा दिया है कि अगर किसी बंदे का कलिमा पढ़ लेने के बाद अल्लाह रसूल या जरूरियात दीन के खिलाफ कोई अकीदा या कोई बात हो जाए तो उसके तमाम अमाल अकारत हो जाते हैं, जाये हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ये कुरान में अल्लाह ने फैसला फरमा दिया है कि तुम्हारे आमाल अकारत जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा अगर अल्लाह के आगे चलने की कोशिश की। पॉइंटेड बात आती है तो बात लंबी हो जाती है, लेकिन आज मिजाज नहीं है। अल्लाह के आगे कोई जा सकता है, अल्लाह के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे है, तो फिर अल्लाह के आगे का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जो अल्लाह का मजहर है उस मजहर के आगे पीछे चलने को अल्लाह के आगे पीछे चलना कहा जाता है। और वो मजहर आतम हमारे और आपके आका हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। गोया अल्लाह फरमा रहा है मेरा ना आगा है ना पाछा है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना दाएं है ना बाएं है, लेकिन मेरा महबूब उसका दाया बाया, उसका आगा पीछा, उसका ऊपर और नीचे ये रब के लिए इजहार के तौर पर, मजहर के तौर पर आगा पीछा है। इसलिए मेरे आगे चलने का मतलब ये हुआ कि मेरे रसूल के आगे, मेरे रसूल के आगे न चलो। तो अल्लाह के वला तुकद्दिमु बैन यदैल्लाह, अल्लाह के आगे ना चलो, मतलब यह कि अल्लाह के रसूल के आगे ना चलो, मजहर हुजूर ही हैं। वला तरफउ अस्वातकुम, अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर बुलंद ना करो। मैं पॉइंट बता रहा हूं कि जरा सी गुस्ताखी, जरा सी बेएहतियाती, जरा सी बदतमीजी, चाहे जानबूझ कर हो या अनजाने में हो, आदमी के पिछले सारे हज उमरा नेकी रोजा जमात नमाज तिलावत सारी नेकियों को रायगा कर देता है, बेकार। तो हम ये नेकियां तो कर लेते हैं मदरसे में, अभी हमने आपने जो कुछ अल्लाह ने तौफीक दी चंदा दिया तो ये नेकी तो हमसे हो गई, लेकिन इन नेकी की असल ये है, जड़ ये है कि ईमान सलामत रहे फिर हो जाए नेकी, तो ये अल्लाह के यहां तक आपके लिए कर। इसलिए पहला गुर इस्लाह मुआशरा का यह है कि हम जो भी नेकी करें उस नेकी के वक्त हमारा ईमान सलामत होना चाहिए, जड़ मौजूद होनी चाहिए। बगैर जड़ के न दरख्त परवान चढ़ता है, न उसमें पत्ते आते हैं, न शाखें आती हैं, न फूल आते हैं, न फल, बस देखने को एक सूखे हुए दरख्त की तरह से वो दरख्त होता है, बेफायदा बेकार। इसलिए कोई भी अमल करें उसके लिए ईमान की जड़ लाजमी। ईमान की जड़ कहां से मिलेगी? किसी बद मजहब की दोस्ती और पैरवी में, किसी बद मजहब के साथ उठने बैठने में, उसके यहाँ खाने पीने में, उसके यहाँ रिश्ता नाता शादी ब्याह करने में, उसे सलाम कलाम करने में, उसके जनाजे में शरीक होने में। इन सारी बातों से ईमान की जड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि ईमान की जड़ तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत और उनसे वफा है।
और जब इंसान उनके दुश्मनों से ताल्लुक रखेगा, उनकी महफिलों में आए जाएगा, उनसे शादी ब्याह करेगा, उनसे निकाह अपनाएगा, उनकी बेटियां लाएगा, उन्हें देगा, तो नेकियां लाख करे। नबी के दुश्मन से दोस्ती करने की वजह से उसे ईमान की जड़ नहीं मिल सकती है, और जब ईमान की जड़ नहीं है तो उस पर फल नहीं आ सकते हैं। इसलिए ये सारी जाहिरी नेकियां मलियामेट हो जाएंगी, बर्बाद। तो इस्लाह मुआशरा में मेन पॉइंट है ईमान हमेशा बचाने की। अब नमाज पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग इतने ज्यादा बेहतरीन अंदाज में नमाजी और खुदा का खौफ दिल में बसाने वाले हो जाते हैं कि पंज वक्ता नमाज कभी उलमा चूक जाएंगे, मगर वो मुक्तदी गैर आलिम लोग नहीं चूकते, बल्कि बसा औकात उलमा पर भी उंगली उठाते कि देखो उनसे नमाज चूक गई। तो ये नमाज की तौफीक मिलती है, लेकिन पता चला कि गुस्ताखे रसूल की मस्जिद में भी चले जाते हैं पढ़ने, नमाज को अहम समझते हुए बागियों के यहाँ चले जाते हैं, जबकि इस्लाम में उनके पीछे नमाज नहीं, उनकी नमाज नमाज ही नहीं। ऐसा कौन सा नमाज का एहतमाम कि जिसमें नमाज भी ना हो और आप पढ़ने जाएं? इसलिए ऐसी नेकी और ऐसी नमाज अपनाने से भी मुआशरे की इस्लाह नहीं। मिसाल दे दूं, एक बस भरी हुई हो, उसमें सब पैसेंजर बैठे हुए हो, लेकिन उसका ड्राइवर आंखों से अंधा चलाने वाला, या कान का बहरा, तो ऐसी सूरत में वो आगे पीछे का हॉर्न भी ना सुन सके, आंख से देख भी ना सके, तो ये बताइए कि वो सामने से आने वाली गाड़ी से टकराएगा या नहीं टकराएगा? एक्सीडेंट करेगा, खुद भी मरेगा और सारे बस वालों को। बहरा है तो पीछे से आने वाले जो है हॉर्न की आवाज को, सामने से हॉर्न की आवाज की तरफ मुतवज्जो नहीं हो पाएगा, सुन ही नहीं पाएगा, और पता चला कि एक्सीडेंट करा दिया, खाई में ले गया, पेड़ से टकरा दिया, गाड़ी टकरा दी, एक्सीडेंट से जो है सारे मुसाफिर जो बस में थे सबके सब खत्म हो गए। ऐसे ही नमाज के मसले में इमाम होता है, अगर इमाम अल्लाह रसूल का वफादार नहीं है, बुजुर्गाने दीन का वफादार नहीं है, तो बस वही अंधा ड्राइवर बस में आपको लेकर बैठ रहा है, और कहीं ना कहीं आपको खाई में गिराकर आपको मारेगा, मौत भी आएगी और शहादत की मौत भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपने जानबूझकर अपनी जान को हलाकत में डाला। कुरान में अल्लाह फरमाता वला तुल्कु बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों अपने आप को हलाकत में न डाल। तो ऐसी नमाज भी हमारे और आपके लिए कारामद नहीं, अकारत वाली नहीं। तीसरी बात यह है कि इल्मे दीन, दीनी तालीम और मालूमात, इसके बगैर भी हम बहुत सारी नेकी करें और नेकी का जज्बा रखें, तो इससे भी इस्लाह की उम्मीद नहीं रखी जाती और ना इस्लाह होती नजर आती है, बल्कि फसाद उसमें नजर आता है। इसलिए इल्मे दीन को हासिल करना, इसीलिए हदीस में कहा गया कि सरकार ने फरमाया हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्मे का हासिल करना, इल्मे दीन का हासिल करना फर्ज, ताकि इल्म की बदौलत आदमी की हर बात या उसकी हर सोच मुफीद हो सके, कारामद हो सके, बेकार और अकारत ना हो सके। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झिझोड़ते हुए सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के सामने हदीस बयान फरमाई, आप फरमाते मन तअब्बद बिगैर इल्म, मन तअब्बद बिगैर फिक्ह कल हिमार फिताहून,
सरकार फरमाते हैं कि आए मेरे साहबा सुन लो, जो बगैर इल्म दीन के इबादत गुजारी करे, परहेजगार बने, ज्यादा इबादत करने वाला बने, तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि गधा। कैसे? जैसे कि गधा। वो नमाजी नहीं है, रोजेदार नहीं है, और कोई दूसरी नेकी करने वाला नहीं है। सरकार उसे फरमाते हैं कि वो बजाहिर आबिद है, इबादत गुजार है, लेकिन हकीकत में वो गधा है। और वो भी खाली गधा नहीं, एक कैद के साथ सरकार ने बयान फरमाई, कल हमारी फिताहून उस गधे जैसा है जिस गधे को चक्की में कोल्हू में लगा दिया गया। किसमें? कोल्हू में लगा दिया गया, कोल्हू में लगे हुए गधे को। या एक जमाने में तेली हजरत जो तेल की पेराई वगैरह करते थे, बैल बांध दिया करते थे, उसके आंख पे जो है पर्दा डालते ताकि उसको जो है घुमनी ना चढ़े और चलता रहे। तो क्या उसका क्या 24 घंटा जो है चलता रहे कोल्हू का बैल या गधा? तो ये बताइए कि आपके इस कोल्हू के पास से हटकर कहीं जाएगा? वो 24 घंटा चलेगा तब भी वहीं का वहीं, वहीं का वहीं, वहीं का वहीं। तो बगैर इल्म दीन और तालीम दीन के इबादत जब काबिल कबूल नहीं है और बेहतर नहीं है, गधे की इबादत जैसी है, तो बड़ा बगैर इल्म दीन के मुआशरे की इस्लाह कैसे मुमकिन है, खानदान की इस्लाह कैसे मुमकिन है, नमाज की इस्लाह कैसे मुमकिन है, रोजे की इस्लाह कैसे मुमकिन है, रिश्ते इज्दिवाज की इस्लाह कैसे मुमकिन है, मियां बीवी के ताल्लुकात की इस्लाह कैसे मुमकिन है? पता चला कि इल्मे दीन के बगैर, इल्मे शरीयत के बगैर इस्लाह मुआशरा का तसव्वुर ही बातिल है। इसलिए आए मुरेड़ी थाना, मुरेड़ी जो है बस्ती के लोगों, कुर्बो जवार के लोगों, अगर अपने मुआशरे की इस्लाह चाहते हो, इसे सुधारना चाहते हो और वो तकवा अपनाना चाहते हो जिस पर अल्लाह के यहाँ बुजुर्गी मिलती है, करामत मिला करती है, मकाम मरतबा मिला करता है, तो इल्मे दीन को परवान चढ़ाओ, उलमा की इज्जत करो, मदरसे तामीर करो, मदरसों ही से आपको अच्छे इमाम मस्जिदों के लिए मिल जाएंगे, स्टेज के लिए अच्छे मुकर्ररीन और खुतबा मिल जाएंगे, अच्छे नातखा मिल जाएंगे, मस्जिद से आपको इमामत के सिवा और कोई फरीजा अंजाम देने वाला कोई और दूसरा जो है फर्द नहीं मिलेगा। लेकिन मदरसा एक ऐसी जगह है जहां से हर माहौल में काम करने वाला आपको मदरसे से मिल जाए। इसलिए मदरसों को परवान चढ़ाओ, उनमें उलमा को जो है आप आगे बढ़ाओ, उनका एहतराम करो, उनकी खिदमतें करो। आखिरी बात हदीसे मुस्तफा अलैहि तहियत व सना की रोशनी में कहकर बात को खत्म करना चाहता हूं कि सरकार अली सलाम ने फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बल लहुमा औ खादिमहुमा वला तकुनिल खालिस वला तकुनिल खामिस फतहले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बंदे, सबसे बड़ी बात और सबसे पहला हुक्म तो ये है, मशवरा ये है, हुजूर फरमाते हैं कि पहले आलिम बन जा, पढ़ लिख कर इल्म वाला हो जा। औ मुतअल्लिमन, अगर आलिम नहीं बन सकता है तो लहद से महद से लहद तक इल्म सीखने वाला मुतअल्लिम बन जा। और आगे इरशाद फरमाते हैं, अगर जिंदगी के झमेले और बहुत सारी जरूरियात आयली और मुआशरती जो है झमेले तुम्हें मजीद पढ़ने और मदरसे में तालीम पाने की मोहलत नहीं देते हैं, तो सरकार फरमाते हैं कि दो और रास्ते भी हैं। मुतालिम नहीं बन सकते, वक्त गुजर गया फुर्सत नहीं मिलती, मुतालिम नहीं बन सकते, वक्त गुजर गया अब जिंदगी के झमेले इजाजत नहीं देते हैं, तो देख तीसरा रास्ता भी सरकार इरशाद फरमाते हैं, मशवरा देते हैं, आओ
मुहिब्बल लहुमा, तो अब दोनों से मोहब्बत करने वाला बन जा। आलिम नहीं है तो आलिम से मोहब्बत करने वाला हो जा, मुतालिम नहीं है तो मुतालिम से मोहब्बत करने वाला बन जा, आलिम के खिदमत गुजार बन जा, मुतालिम का खिदमत गुजार बन जा, आलिम का कफील बन जा, मुतालिम का कफील बन जा। ये जो है सरकारी शास फरमाते हैं उनसे मोहब्बत करने वाला बन जा या फिर उनकी खिदमत करने वाला बन जा। ये चार रास्ते हुए, ये चार मशवरे हुए, एक आलिम बन जाना, एक मुतालिम बन जाना, फिर आलिम और मुतालिम का मुहिब बन जाना चाहने वाला बन जाना, फिर चौथा रास्ता हुआ इन दोनों की खिदमत करने वाला बन जाना। सरकार फरमाते हैं ऐ मेरे प्यारे उम्मती यही चार में से कुछ रहना, वला तकुनिल खामिस पांचवा ना बनना फतहलिक, इसलिए कि तू बर्बाद हो जाएगा। पांचवा ना बनना वरना बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इस्लाहे मुआशरा की गरज से अगर वाकई आपने ये मस्जिद सजाई महफिल का इनेकाद किया है तो इस बात की तरफ दर्जा बदर्जा कदम ब कदम बढ़ते रहें कि हमें मदरसे को परवान चढ़ाना है, उसमें तालीम को आगे बढ़ाना है और इस तालीम के जरिया हमें ऐसी जो है मालूमात और ऐसी सलाहियत वाला बंदा जो है और बच्चे पैदा करना है जो आगे चलकर फिक्र के साथ अपनी सारी नेकियां समझ के साथ शरीयत के इल्म के साथ बजा लाएंगे तो उसमें कोताहियां नहीं होंगी, उसमें खामियां नहीं होंगी, उसके अंदर खताएं नहीं होंगी, उनके अंदर फसाद नहीं होगा, उनके अंदर बिगाड़ नहीं होगा। और जब बिगाड़ नहीं होगा तो इन्हीं सारी जो है दीनी मालूमात के जरिए उनकी इबादतें भी इस लायक होंगी कि ईमान का जज्बा सलामत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का जज्बा सलामत है तो उनके आमाल भी काबिल कबूल होंगे और उनका ठिकाना जन्नत बन जाएगा और मुआशरा जन्नत नुमा बन जाएगा। हजरत मोहतरम इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप बद मजहबों से अल्लाह और रसूल के गुस्ताखों से दूरी बनाए, ईमान में पुख्तगी लाएं ताकि हमारे हर अमल में खैर और बरकत हो और अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल होने के लायक बन जाएं। फिर इंशाअल्लाह अल्लाहुल अजीज हम और आप दीगर बातों पर तवज्जो दे सकेंगे कि आजकल के माहौल में दो बातें और कहूँगा। एक तो ये कि हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमतो रिजवान के चाहने मानने वालों का इलाका है मजमा है, मगर उनके मिशन से इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग ही ना बलग मिल रहे। चूंकि मेरा हक है मैं कह सकता हूं इसलिए मैं कह रहा हूं। ये सामने वीडियोग्राफी के पॉइंट जो लगे हैं ये हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमतु व रिजवान के मौकफ के खिलाफ है, जायज नहीं है, हराम। और बंदा भी इसी पर कायल है, लिहाजा जिन हजरात ने यह काम किया है हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमतुर रिजवान ने कोई अपने घर से नया हुक्म नहीं दिया बल्कि हुजूर शहंशाहे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से जो हद तवातुर को मफहूमन पहुंची हुई अहादीस है हुर्मत तसावीर पर उसी मौकफ को हमें आगे बढ़ाया है जिसके बारे में मैंने जो आयत तिलावत की थी। परवरदिगार आलम फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम कि तुम में से ज्यादा बुजुर्गी वाला अल्लाह के यहाँ वही है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। तकवा यह है कि गुनाह से बचा जाए, हमें हुजूर ताजुश्शरिया ने इस गुनाह के जमाने में भी तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया है, वही मौका अपनाया है। और जो लोग तकवा को ताक पर रखवा रहे हैं वो वीडियोग्राफी के कायल हो रहे हैं, वो गुनाहों में मुलविस हो रहे हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों इसे भी छोड़ो, इस्लाह मुआशरा में सबसे पहला जरूरी काम ये, वरना मामला ये हो जाएगा कि मुआशरा इतनी बात कहने वाला कहता है चाहो तो कर लो चाहो तो न करो बराबर है मामला, लेकिन जिसने मना किया है उसने कह दिया करोगे तो गुनहगार हो जाओगे। इसलिए गुनाह से बचना अहमत है। इमाम आजम के मजहब पर यही आला हजरत सरकार ने भी बयान फरमाया है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने भी बयान फरमाया है, यही हुजूर ताजुश्शरिया ने। इसलिए इस्लाह मुआशरा के लिए जरूरी है
कि हर अमल में तकवा परहेजगारी और उसूल शरा को इख्तियार किया जाए, धीरे धीरे हो जाएगा। वरना ऐसी ऐसे जलसे ऐसी कॉन्फ्रेंसें होती रहें और गुनाह बदस्तूर होते रहें तो फायदा ही क्या है। हमारी माएँ बहनें हैं वो भी याद रखें कि ये जमाना फितनों का जमाना है। आराम तो बढ़ा है, फैसल्टियाँ और तरक्कियाँ हुई हैं, बड़ी हैं, लेकिन इसके साथ मुसीबत भी बड़ी है। इसलिए अपनी इज्जत व आबरू और अपने घर के माहौल को महफूज रखने के लिए खुद भी इस दौर का शैतान जिसे मोबाइल कह सकते हैं, खुद भी इसके इस्तेमाल से रंगीन और एंड्रॉयड मोबाइल से बचें और अपनी औलाद को भी बचाएं। इसकी वजह से मुआशरे में इस्लाह करने के लिए कॉन्फ्रेंसें ज्यादा करनी पड़ रही हैं। अगर यही घर से इब्तदा कर ली जाए तो इंशाअल्लाहुल अजीज खुराफातों में कमी आएगी। हम यह नहीं कहते मोबाइल ना इस्तेमाल करें, लेकिन बेजा इस्तेमाल ना करें। और ये बड़ी बड़े साइज की मोबाइल एंड्रॉयड वगैरह में जिसमें व्हाट्सएप फेसबुक और न जाने क्या क्या चलते हैं, ये लड़कियों के हाथ में तो कतई नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा बहकाने वाला शैतान इस जमाने में है। और इसी वजह से हमें और आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत पड़ती है। तो किसी हिंदी शायर ने दोहे में कहा था कि अब पछताने का हुई जब चिड़िया चुग गई, ने कहा था कि करना था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, अब बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। इसलिए बबूल का पेड़ बोने के बजाय आम ही का पेड़ लगाए तो मीठे मीठे रसीले आम मिलेंगे, बबूल के कांटों से वास्ता नहीं पड़ेगा। इसलिए चका चौंध वाली इस दुनिया की जो सारी जो है लाइट और उसका सिस्टम है, ये आपकी जिंदगी को आसान नहीं जहन्नम बना रहे हैं। इसलिए इनको जायज तौर पर इस्तेमाल करने का मिजाज बनाएं। इंशाअल्लाहुल अजीज आपके मुआशरे में इस्लाह खुद बखुद होना शुरू हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला का फजल होगा और उसके रसूल की इनायत होगी, बुजुर्गों की इनायत होगी, तो इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह के रसूल से वफा का जज्बा दिल के अंदर पैदा होगा। और जब उनसे वफा का जज्बा पैदा होगा तो बकौले डॉक्टर इकबाल की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों सारी बातों का लुब्बे लुबाब ये है, खुलासा ये है, निचोड़ ये है कि अल्लाह के रसूल की इताअत में लग जाओ, उनकी मोहब्बत में लग जाओ, उनके अकीदत में लग जाओ, उनकी पैरवी में लग जाओ, उनकी वफादारी में लग जाओ, तुम्हारे सारे बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। जो बिगड़ गए होंगे उन बिगड़े हुए कामों का बिगड़ा हुआ खाना भी अल्लाह के महबूब की वफादारी से सुधरे हुए खाने में तब्दील हो जाएगा। अभी आपने मौलाना मौसूफ की तकरीर में सुना है, वलौ अन्नहुम ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। अगर गुनाह हो गया होगा, मिसिंग हो गई होगी, तो वो भी अल्लाह और रसूल के दरबारों से दुरुस्त हो जाएंगे और नामे अमाल साफ हो सुथरा हो। और याद रखो एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, आखिरी बात है कि गुनाह बहरहाल गुनाह है, लेकिन कुफ्र ये गुनाह का वो दर्जा है जो अल्लाह की बारगाह से बगैर तौबा मिटाया नहीं। और बाकी गुनाह जो होते हैं उनके बारे में कई मरहले हैं, अल्लाह ताला चाहे किसी के लिए तो खुद मुआफ कर दे बगैर तौबा के, या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हो जाए तो बगैर सजा के जो है माफ हो गए, या फिर नंबर यहां तक पहुंचा कि कुछ सजा के लिए रवानगी हो गई, चले गए सलाख के पीछे, लेकिन सजा झेल कर फिर आ गए,
तो गुनाह हुआ है, लेकिन कुफ्र ये इतना बड़ा गुनाह है जो अल्लाह तबारक व तआला बगैर तौबा के माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए कुफ्र से बचें, गुनाह से अल्लाह तबारक व तआला को चिढ़ है, गुनहगार से चिढ़ नहीं है, लेकिन परवरदिगार आलम को कुफ्र और काफिर दोनों से चिढ़ है। वो बगैर तजदीद ईमान किए, तौबा इस्तिग़फ़ार किए काफिर के कुफ्र को नहीं बख्श सकता है, अलबत्ता गुनहगार के गुनाह को बख्श सकता है। ये उसके इख्तियार में है जिसके लिए चाहे। नबी पाक जिसके लिए शफाअत कर दें, अल्लाह फरमा चुका है इस पर तो शफा मोहम्मद सर उठाओ कहो माना जाएगा, शफात करो शफात कबूल की जाएगी। इसलिए सरकार की शफात से बगैर सजा के छूट जाएगा। और कुछ जहन्नम में चले जाएंगे सजा झेलने, तो मोमिन कभी सजा झेलेगा? एक आखिरी हदीस बता दो, पुल सिरात के ऊपर से जब गुजर हो रहा होगा तो मोमिन काफिर सब गुजरेंगे, लेकिन जब मोमिन गुजरेगा तो चाहे गुनहगार भी होगा तो नीचे से जो पुल सिरात के नीचे जहन्नम है वो चिल्ला कर पुकारे कहेगी जो या मोमिन फइन्ना नूरा का फइन्ना नूरा का यथोला भी, अरे मोमिन मेरे ऊपर से जल्दी से गुजर क्योंकि तेरे ईमान का नूर मेरी लपट बुझ। तो मोमिन जो है जहन्नम में भी जाएगा तो बस सजा उसी को मिलेगी जो उसके अंदर मिलावट वाला जो है मादा होगा। अरे भाई दुनिया का दस्तूर है, कोई सुनार सोने को परखने के लिए तपाने के लिए भट्टी में डालता है तो सोना कभी जलता है? गरम जरूर हो जाएगा कि उसे हाथ पे रख लो तो हाथ में घुस जाए गरम इतना हो जाएगा, लेकिन वो जलता है नहीं। क्या जलता है? मैल जो होता है। तो अगर कोई गया भी जहन्नम में मोमिन ईमान वाला तो गरम भले होगा, तपिश महसूस होगी, उसकी सजा का एहसास होगा कि मैंने गुनाह किया था, लेकिन उसका कोई हिस्सा नहीं जलेगा। गुनाह के जो हिस्से उसके बदन और रूह पर थे वही जहन्नम में जलेंगे। और उसके बाद रसूल करामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात पाकर भी और वैसे भी गुनाह जलने के बाद सजा गुनाहों की पाने के बाद मोमिन जन्नत में वापस कर दिया जाए। इसलिए ईमान बचाओ, आमाल में कहीं चूक भी गए तो उसकी सुधार के लिए कई तरीके हैं, लेकिन ईमान चूक जाने के बाद कोई रास्ता नहीं है, फिर तो हमेशगी का अजाब है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के लिए तकवा अपनाओ, उसे ताक पर न रखो। इस जमाने के चंद नए मुहक्किकीन हैं जो सिर्फ रुख्सत और इजाजत तमाम चीजों में देने के लिए नई नई तहकीकात का सहारा ले रहे हैं। मुहक्किक मसाइल पेचीदा बन गए हैं, हर बात में आसानी देने का बहाना है कि लोगों को उमू में बलवा की वजह से गुनाह से बचाना है, इसलिए गुनाह में भी ढील देते जा रहे हैं, तकवा छुड़ाते जा रहे हैं, तकवे को ताक पर रखवा रहे हैं। जो महबूब चीज अल्लाह को पसंदीदा चीज है वो तकवा है, उसी पर बंदों को मर्तबा देता है, बुजुर्गी देता है। ये रुख्सत अदा करने वाले मुरक्कसीन और मुजव्वज़ीन आज उसी तकवा को ताक पर रखवा रहे हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, पहचानो उनकी इस रुख्सत पे लट्टू मत हो जाओ, बल्कि खुदा के महबूब रसूल की पैरवी करो, तकवा का दामन न छोड़ो। जो रुख्सतें दे रहे हैं उनकी रुख्सतों को उनके मुंह पे मारो, मुआशरा जरूर सुधर जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें नियतों के हिसाब से इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में अपनी बरकत शामिल फरमाए, और जैसे हमने ख्वाहिशें की, ऐलानात किए, पोस्टर छापा, इस उनवान पर गुफ्तगू की है, मौला ताला इलाके के लोगों को मुआशरे की इस्लाह की सच्ची दौलत से मालामाल फरमाए, बिलखसूस अकायद और ईमानियात की पुख्तगी की दौलत दे।